हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 7 साइंस, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द कंटेंट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम इसके कंटेंट में देखेंगे कि पहले हमें क्या पढ़ना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देन वी विल डिस्कस इंडिकेटर एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन। नाउ कम टू दी फर्स्ट पार्ट, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। नाउ लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस, दैट इज ऑरेंज, लेमन, कर्ड, विनेगर, टमाटो, ग्रेप्स, आमला एंड रिपल मैंगो। तो ये जितने भी सब्सटेंस या एडिबल सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सब में क्या कॉमन है? आपने इन सबको कभी टेस्ट, कभी ना कभी टेस्ट तो जरूर किया होगा। तो इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में अगर आप खा के देखोगे तो कुछ एक खट्टापन आपको लगेगा, दैट इज सार, है ना। तो सार जो है किसी सब्सटेंस में कम है और किसी सब्सटेंस में ज्यादा है। तो यू विल फाइंड दैट दीज सब्सटेंस टेस्ट सार, कुछ ज्यादा खट्टे हैं और कुछ कम खट्टे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है, और जहां पे एसिड प्रेजेंट होता है ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। जो सब्सटेंस क्या होते हैं? टेस्ट में सार होते हैं। या फिर आप लिख सकते हो कि दी सब्सटेंस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड, और द केमिकल नेचर ऑफ दैट सच सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी आप क्या देख रहे हो? ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो अभी लॉकडाउन में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे इसका यूज़ ना हुआ हो एक्चुअली में। तो एक्चुअली में बेकिंग सोडा को हम एज अ एडिबल यूज़ करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, केक में, पेस्ट्री में और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिशेस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली में जब आप बेकिंग सोडा के ऊपर हल्का सा पानी डालोगे तो ये जो है ये एक सोपी नेचर देगा, है ना। हल्का सा पानी दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बुलबुले और झाग आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये भी कड़वा है? ये कड़वा नहीं है, बट इस पे जब हम वाटर या कोई भी लिक्विड डालते हैं तो ये क्या करता है? एक सोपी फील देता है। सोपी फील मतलब एक साबुन जैसा झाग क्रिएट करता है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऐसा होता है, और भी देखिए ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हो क्या क्या है। सोप है, देन आपके पास वॉशिंग पाउडर है, शैम्पू है, देन आपके पास टॉयलेट क्लीनर है। तो इन सबको अगर आप देखते हो तो आप क्या फील करते हो कि हल्का सा ये पानी जाने से इसमें क्या होता है, एक सोपी नेचर क्रिएट हो जाता है। मतलब आपने साबुन लिया, उसमें वाटर के साथ उसको रब किया तो उसमें क्या होता है, झाग हो जाता है। इसी तरह सेम हो जाता है क्या वॉशिंग पाउडर में, शैम्पू के साथ भी सेम है, टॉयलेट क्लीनर के में भी ऐसा होता है। देन तो आप क्या बोलोगे, जब किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं कि उसमें क्या है, बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या है, सोपी नेचर के हैं, है ना। ऐसे सब्सटेंस जो क्या है, टेस्ट में थोड़े कड़वे हैं, आप इसको टेस्ट मत कर लेना, है ना। तो जनरली हम क्या फाइंड करते हैं, सोपी ऑन टच। जब ऐसा किसी सब्सटेंस के साथ हो तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें प्रेजेंट होता है बेस, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एसिड क्या है। एसिड में सार टेस्ट होता है, और देन बेस में क्या होता है, बिटर होता है, और फील सोपी ऑन
टच एंड इसमें क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, देन दैट्स व्हाई वी कॉल बेसिक सब्सटेंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो चलिए हम अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड के. तो एसिड जो है वो वर्ड एसिड जो बना हुआ है लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सार. एसिड टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है. केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस डेट कंटेन एसिड इज एसिडिक. फॉर एग्जाम्पल कर्ड, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, विनेगर, आमला, टैमरिन एट्सेट्रा. ये सब क्या है, इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर क्या है, एसिडिक है. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एसिड. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब इस टेबल को देखिए. अब इस टेबल में हम ये देखते हैं कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वन मार्क्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में जनरली आ भी सकता है. तो फर्स्ट हम देखते हैं सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस, लेमन, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है. इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड. तो ईजी है याद करना, दैट इज सिट्रस सिट्रिक. तो ये तो हो गया ईजी वाला मेथड. सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. कॉर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. स्पाइनस दैट इज पालक में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. आमला में और सिट्रस फ्रूट है उसमें कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है और विटामिन सी. टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है. विनेगर, विनेगर का आप यूज़ कहाँ करते हो, बच्चों को तो जनरली पसंद आता है विनेगर. कहाँ कहाँ यूज़ करते हो जल्दी बताओ. इसको आप यूज़ करते हो नूडल्स वगैरह में, मैगी में, जो भी आपके चाइनीज फूड है मैक्सिमम उनमें आप यूज़ करते हो. तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है. और जो आंट स्टिंग है, एक्चुअली आंट क्या होता है, जब आपको बाइट करती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है. तो उस एसिड में क्या होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, उसके सब्सटेंस है फॉर्मिक एसिड होता है. तो चलिए इसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. कॉर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पाइसनेस में ऑक्सैलिक एसिड, आमला में एस्कॉर्बिक एसिड, टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो में टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिडिक एसिड और आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड. इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स. मतलब अगर हम बात करें एसिड के क्लासिफिकेशन की कि वो कहाँ से मिलते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो दे आर क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट नेचुरल और ऑर्गेनिक सोर्सेस एंड सेकंड वन इज मिनरल एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेस. तो फर्स्ट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज. तो नेचुरल सोर्सेज क्या होंगे, जो हमें नेचुरली मिलते हैं. नेचुरली कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली मतलब प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलते हैं. एसिड डेट आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज. तो जैसे कर्ड में एसिड है, टमाटो में एसिड है, सिट्रस फ्रूट में एसिड है, आंट स्टिंग में एसिड है. तो ये सब एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ऐसी चीज़ों से जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड है. राइट, नाउ कम टू दी मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड. अब तो मिनरल और इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या हैं, एसिड को मिनरल एसिड डेट आर डिराइव्ड अन इनऑर्गेनिक सोर्सेज दैट इज मिनरल आर कॉल्ड मिनरल एसिड. तो इसके क्या एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल हैं नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड. ये जनरली आप अपने स्कूल के लैब वगैरह में देखते हो, ये सारे एसिड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. और ये यूजली क्या है, एक्चुअली में बहुत डेंजरस होते हैं, इससे हार्म भी हो सकते हैं आप. तो नाउ मूव ऑन टू दी टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. अभी तक हमने बात की
एसिड के क्लासिफिकेशन की है ना, जो उसको क्लासिफाई करते हैं नेचुरली और मिनरल बेस पे। अब हम बात करते हैं कि एसिड के स्ट्रेंथ के बेस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है और दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो हम पहले वीक एसिड डिस्कस करते हैं। तो वीक एसिड में क्या होता है, जो एडिबल है सब्सटेंस, आपको ये ध्यान रखना है कि वीक एसिड ऐसे जिन सब्सटेंस जो सब्सटेंस क्या एडिबल है। तो एडिबल कौन कौन से सब्सटेंस है, नेचुरली ऑर्गेनिक एसिड हैं जो हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट है, वेजिटेबल में प्रेजेंट है, कॉड में प्रेजेंट है, वो सारे वीक हैं और हम उन्हें क्या करते हैं, खाते भी हैं। दैट्स वाई वो क्या है, एडिबल भी हैं, इनसे कोई नुकसान भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ सेकेंड क्लासीफाई जो हमने किया है स्ट्रेंथ के बेस पे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे एसिड जो क्या है, इसका अपोजिट है, जो क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड थे वो वीक एसिड है, तो जो मिनरल एसिड हुए वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यूजली मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हाईली कोरोसिव होते हैं, डेंजरस होते हैं, कॉज बर्न ऑन स्किन। तो एसिड अटैक के बारे में भी आपने पहले से सुन रखा होगा कि स्किन पे डालते ही क्या हो जाता है, स्किन बर्न होने लगती है। और लैब वगैरह में भी जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ताकि किसी भी तरह से ये हमारी बॉडी को हार्म ना करे। दैट्स आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। तो अभी तक हमने बात कर ली एसिड की, नाउ लेट्स कम टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस क्या होता है, बेस होता है बिटर इन टेस्ट और फील सोपी ऑन टच। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी, कैसा होता है इसका टेस्ट, बिटर होता है, कड़वा होता है, और जब आप इसको टच करते हो तो क्या होता है, इट फील सोपी। केमिकल सब्सटेंस डेट कंटेन बेस, दैट इज बेसिक। और एग्जाम्पल इसके क्या है, बेकिंग सोडा, सोप्स, हैंड वॉश, डिटर एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो इसके बारे में भी हम जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस सब्सटेंस में कौन सा बेस होता है। तो फर्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कौन सा सब्सटेंस मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइम वाटर और चूना जो होता है इसमें कौन सा सब्सटेंस मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा टफ होगा पर 2 से 3 बार रीड करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। विंडो क्लीनर में कौन सा एसिड प्रेजेंट, बेस प्रेजेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज एंटासिड, में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। को 2 से 3 बार आप रीड कर लो, आपको थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा, फिर जब रूटीन में आएगा तो आप इजिली बता दोगे कि किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है और किस सब्सटेंस में कौन सा बेस प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है, नाइदर एसिडिक नॉर बेस, ना ही ये कड़वे हैं और ना ही ये क्या है, खट्टे हैं। तो इनका टेस्ट कैसा है भाई, तो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जब हम डिस पढ़ेंगे तो उसमें आप ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ये सब हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे न्यूट्रल ऐसे हैं जो ही ना ही एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं। एग्जाम्पल डिस्टिल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, तो ये सब क्या है, ये न्यूट्रल इन नेचर हैं। तो ये था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है बच्चा लोग, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दो और कमेंट सेक्शन में जाके भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।